हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, अच्छी खबर आ चुकी है कि सेल्फ फाइनेंस फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं। सेल्फ फाइनेंस के तो बहुत सारे बच्चे जो कि अभी तक ये सोच रहे थे कि सेल्फ फाइनेंस उन्होंने पिछली बार टिक नहीं किया था, तो उन लोगों को अब क्या करना है। तो अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या सबको सेल्फ फाइनेंस मिल सकता है, क्या सेल्फ फाइनेंस वालों की क्लास सेम टाइम पे होती है जैसे रेगुलर वालों की होती है, ये सारे क्वेश्चंस के हम लोग जवाब इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो कि एमयू की तरफ से आज हो गया है इश्यू, और वो क्या कहता है और क्या क्या चीजें करनी है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो ये है कि जिसने पहले सेल्फ फाइनेंस टिक कर दिया था उसको कुछ भी नहीं करना है। अब उसके लिए आप कुछ भी नहीं है, उसका पिछला वाला ही सेल्फ फाइनेंस चलेगा, ठीक है। लेकिन फीस जिसने पहले जमा करी थी, अब उसको ज्यादा फीस जमा करनी है। तो जरा देखते हैं क्या आया है नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग ये एमयू की साइट पे जब आप लोग नीचे आएंगे, जहां नोटिफिकेशन लिखा रहता है, जहां नए रिजल्ट्स जहां भी आते हैं उसका नोटिफिकेशन रहता है, एमयू कंट्रोलर पे जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज सब लोग, ज्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो जो भी आपका स्कूल है, जहां आपका एडमिशन हुआ था, अपग्रेड वाला नहीं, जहां हुआ था, मान लिया आपका सेल्फ फाइनेंस सॉरी सैयद हामिद में हुआ है, तो सैयद हामिद की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां लिखा मिल जाएगा आपको, नोटिस आपको पीडीएफ की शक्ल में मिल जाएगा। अगर आप अब्दुल्ला से हैं, अब्दुल्ला गर्ल्स से हैं, या किसी भी स्कूल से हैं, तो आपको सबको उसी के थ्रू वो मिल जाएगा। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम लोग देखते हैं जरा सेल्फ फाइनेंस में क्या होगा। तो सेल्फ फाइनेंस में सबसे पहली चीज आती है, द एप्लीकेंट कुड नॉट ऑप्ट फॉर सेल्फ फाइनेंस। जिन बच्चों ने सेल्फ फाइनेंस नहीं चुना था पहले फॉर 11th क्लास साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, तीनों ब्रांचेस के लिए ये है, एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो अब उनको मिलता है, अगर वो चाहते हैं, ₹500 उनको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज। यहां साइट आपको गिवन है कि कौन सी साइट पे आना है आपको। अच्छा, अब जरा समझिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब अभी वैसे ये साइट ओपन नहीं होगी, क्योंकि इसमें टाइम लिखा हुआ है कि 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे ये सबमिट किए जाएंगे। तो आप लोगों को अभी कल का इंतजार करना पड़ेगा, कल। अब उसमें आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर आप लोग डालेंगे, इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे आप, रोल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद साइट आपसे पूछी जाएगी कौन सी साइट है, ठीक है, वो रोल नंबर से ही पता चल जाएगा उनको। उसके बाद आपको टिक करना होगा कि सेल्फ फाइनेंस पर आप जाना चाहते हैं। अच्छा, अब उसकी लास्ट डेट है। यहां एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने पहले से सेल्फ फाइनेंस चूज किया हुआ है उनको अब कुछ नहीं करना है, उनका पहले से ही सेल्फ फाइनेंस चूज है, तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब जरा समझिए कि जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो क्या है। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा, वो सबसे पहली चीज ये होती है कि किसी भी बच्चे ने इंट्रेंस दिया हो और उसके 15 मार्क्स मिनिमम हो। अब जब 15 मार्क्स मिनिमम की बात आती है, तो ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि जिनका 15 नंबर है उनका हो जाएगा, ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है। मान लीजिए कि कभी किसी में कहा जाता है कि मैथ्स में मार्क्स 50 नंबर चाहिए, पेपर 100 का था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50 वाले का टॉप कर लिया, 50 वाले ने, 60, 70, 80, 90, 95 ये सब भी होंगे मार्क्स, इनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है। अब क्या होगा जरा समझिए, तो हमारे पास ये 15 मार्क्स क्राइटेरिया है, फॉर्म भरने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, सिर्फ टिक करना होगा। आपको अपना पुराना वाला जो रोल नंबर है वो डालना पड़ेगा और 15 मार्क्स आपके होने चाहिए। अब सबसे पहले जो सेल्फ फाइनेंस वाले भरे जाएंगे, सबसे पहले जिनका वेटिंग था, वेटिंग लिस्ट थी, वेटिंग में नाम था, सबसे पहले उनको रखा जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे जिनके 50 से ज्यादा मार्क्स होंगे, या फिर समझ लीजिए कि 45 से ज्यादा मार्क्स होंगे, जिनके 50 नंबर से ज्यादा मार्क्स होंगे उनको रखा जाएगा। और ये सब रखे जाएंगे इंटरनल्स को भरने के बाद, मतलब इंटरनल बच्चों का 100% नाम आना ही आना है, इंटरनल बच्चों का 100% नाम आना ही आना है, अगर उनके 15 मार्क्स से ज्यादा हैं। तो इंटरनल वालों का तो हो गया मजा, उनके अब कोई उनको कोई परेशानी नहीं है, उनका सेल्फ फाइनेंस उनको मिल ही जाएगा। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, जिनकी वेटिंग लिस्ट लास्ट में आती है, सबसे पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगा, 50 नंबर और
45 नंबर से जो ज्यादा होंगे उनको मिल जाएगा, 45 नंबर क्राइटेरिया रखा जाएगा वैसे जहां तक मुझे लगता है, लेकिन रैंडमली कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है जो कि 30, 25, 20 के भी होंगे, रैंडमली भी सिलेक्शन होता है। पिछली बार ऐसा हुआ है कि जिसके 25 मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हो गया और 45 वाले का नहीं हुआ, तो रैंडमली भी होता है, कुछ कैटेगरीज से भी होता है, ओबीसी से कुछ सिलेक्शन होंगे, एससी से कुछ होंगे, डीएस से होंगे, तो ये सारे क्राइटेरिया रहते हैं। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना हो इसमें कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बीएससी से रिलेटेड लेकर आएंगे और बीए से रिलेटेड भी काफी बच्चे डिमांड कर रहे हैं, वो वीडियो मैं लेकर आऊंगा, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछेगा। थैंक यू बच्चों, बाय।